press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिल्डिंग डेकोरेशन, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्लेस टाइल लगाने का सबसे मजबूत और आसान तरीका, जो आज के वीडियो में आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें और हमारे वीडियो पर पूरे बने रहें, ताकि आप टाइल लगाने का तरीका अच्छा सीख सकें। तो दोस्तों, हम टाइल लगाने से पहले दीवार पर सीमेंट का पानी डालना पड़ता है। सीमेंट मिला के उस पर पानी सीमेंट का डाल लें, उसके बाद में पूरी दीवार पे आप इसी प्रकार से प्लास्टर करें, और प्लास्टर करने के बाद में उसको सावल लगा के बिल्कुल सीधा कर लें, ताकि आपको बाद में टाइल लगाने में दिक्कत ना हो। इसी प्रकार से आप उसको सीधा करें, सावल लगा के फट्टी से प्लास्टर को, जैसे हम आमतौर पर किया करते हैं प्लास्टर, उसी प्रकार आप पूरी दीवार पर प्लास्टर कर लें। और इस प्रकार से आप देखिए दोस्तों, सावल लगा के चेक कर ले, ताकि दीवार का प्लास्टर बिल्कुल सीधा हो और टाइल भी आपकी वापस इसी प्रकार एकदम सही आएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके दोस्तों, और हम आपके जानकारी के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें, और हम आपको काम करने के नई टेक्निक भी दिखा सके, बता सके, ताकि आपके काम करने में आसानी हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका सावल कर लिया है। अब हम इस पे फट्टी से इस प्लास्टर को हम बिल्कुल सीधा करेंगे, जैसे आम तौर पे प्लास्टर किया जाता है, उसी प्रकार से हम इस पे फट्टी से इसको प्लास्टर को बिल्कुल सीधा करेंगे। और दोस्तों, हम जो भी वीडियो लेके आते हैं वो जानकारी से फुल भरपूर होते हैं, तो हमारे जितने भी वीडियो हैं आप ज़रूर एक बार उसे ज़रूर देखें सारे। और ये देखिए दोस्तों, हमने अब प्लास्टर करने के बाद में इसके ऊपर एक बार सूखी टाइल लगा के इसे चेक कर लें, ताकि कहीं टाइल में बांच आ रही हो तो पहले से आप चेक कर सकते हो। उस पर तकरीबन 3-4 टाइल लगा के आप इसको गुनिया करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये टाइल लगाने से ही अपने आप गुनिया हो जाता है, ताकि आपकी टाइल किधर झुक रही है वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद में आप सीमेंट मिला लें, फिर आप इस प्रकार हर एक टाइल पे इस तरह से सीमेंट लगाएं। और ये सीमेंट लगा के ताज़े प्लास्टर पे जब टाइल लगाते हैं, तो दोस्तों इसकी मजबूती का क्या कहना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है टाइल, ये कभी उतरती नहीं है, ना ये बीच में से साइड से कहीं पे ये बजती है, बिल्कुल मजबूत लगती है दोस्तों, ये बिल्कुल थोथी नहीं रहती। और दोस्तों, अगर आप भी कहीं टाइल्स लगा रहे हैं तो इसी प्रकार से आप टाइल्स लगाएं, और इसको हल्का सा हाथ से ठरका लें, ताकि एक्स्ट्रा जो सीमेंट होती है वो बाहर आ जाए चारों तरफ से, और ये कहीं से भी बिल्कुल भी थोथी नहीं रहेगी, ना ये बजेगी। इसी प्रकार आप एक एक करके सारी टाइलों को इसी प्रकार दीवार पे चिपका दें, और ये टाइल लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तकरीबन ये हमने 10 या 15 मिनट के अंदर ये इतनी टाइलें हमने लगाई है दोस्तों। आप भी इसी प्रकार टाइल लगाने का आसान तरीका और मजबूत तरीका आप सीख सकते हैं हमारे वीडियो को देख के। और दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियो आप इसी प्रकार देखते रहें, ताकि आपकी जानकारी और ज़्यादा बढ़ जाए, और काम करने का अच्छा तरीका आप सीख पाएँ दोस्तों। इसी प्रकार आपको हर एक टाइल पे सीमेंट लगा के इसको चेपना है, इसको लगाना है दीवार पर। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों आपको किस प्रकार के वीडियो आपको देखने के लिए चाहिए, वो हमारे पर्सनल में आप कमेंट कर सकते हैं, और जिसके कमेंट जिस विषय के ज़्यादा होंगे, हम उसी प्रकार के आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। चाहे मार्बल लगाने के हो, ग्लेस टाइल लगाने के हो, या ग्रेनाइट पॉलिश करने के हो, या सेमी ग्रेनाइट करने के हो, या डायमंड पॉलिश करने के हो, या मिरर पॉलिश करने के हो, जो भी आप हमारे पर्सनल में जो कमेंट करेंगे, हम उसी प्रकार से आपको वीडियो आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। और आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही बने रहें, हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, और अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन अच्छे वीडियो ला सकें दोस्तों। ये देखिए, हमने दीवार कंप्लीट कर दी है दोस्तों। ये दीवार कंप्लीट होने के बाद में बहुत ही सुंदर और अच्छी लगती है,
दोस्तों आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों आपका धन्यवाद, शुक्रिया हमारे पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो पर बने रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार अच्छी सी जानकारी लेके। दोस्तों शुक्रिया, दोस्तों धन्यवाद।